अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और मैं हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ, और आज हम लिखेंगे फबी अशियाल आई रबी को मातुक ज़बान, वो भी मॉडर्न फॉन्ट में, मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी फॉन्ट में और गोल्डन से। और इसमें मैंने शिमर शेड ऐड किया है, और राइटिंग के लिए मैंने जो ब्रश यूज़ किया है वो कीप स्माइलिंग का कट ब्रश है। साइज़ आप अपने मीडियम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी जो है फबी अशियाल आई रबी को मातुक ज़बान लिख रहा हूँ, और ये सिंगल कोट पेंटिंग होगी, डबल कोट नहीं होगी, सिंगल कोट पेंटिंग होगी, वन स्वाइप। और ये मॉडर्न कैलीग्राफी में आता है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो एब्स्ट्रैक्ट 3D बैकग्राउंड है, कोई भी स्पेसिफिक खत इसमें मैंने ऐड नहीं किया हुआ। और जो पीछे बैकग्राउंड पे जो ख़त लिखे हुए हैं वो भी मॉडर्न में ही लिखे हुए हैं मैंने, और ये भी हरूफ तहजी ही हैं जिनको मिला के कोई भी एक वर्ड कंपोज किया जा सकता है। और इसके जो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, इसके बैकग्राउंड में जो है मैंने ब्लैक और टाइटेनियम वाइट से एक वार्म ग्रेश टाइप का शेड क्रिएट किया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर तीन सर्कल ड्रॉ किया है, एक फुल सर्कल और दो हाफ सर्कल और दो स्मॉल साइज़ के सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं। और उसके बाद सेंटर वाले सर्कल में मैंने, सेंटर वाला जो सर्कल है हाफ, वो मैंने ब्लैक से लिखा, टोटल जो ब्लैक है, ब्लैक डार्क, क्योंकि बैकग्राउंड जो था वो लाइट था और जो ऊपर राइटिंग थी वो ब्लैक थी, तो वाज़ह उस पर शो हो रहा था कि हाँ कोई वर्ड पीछे से लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने वाटरी सा शेड लिया वाइट, टाइटेनियम वाइट, और उसके साथ मैंने उस पर बाकी के हाफ सर्कल के ऊपर कैलीग्राफी की। और इसी तरह मैंने उधर एंड कॉर्नर पे जो है, आई थिंक लेफ्ट कॉर्नर पे जो है वो, उसमें भी मैंने इसी तरह फर्स्ट हाफ़ में मैंने ब्लैक और सेकंड हाफ में मैंने टाइटेनियम वाइट, और इधर भी इसी तरह फर्स्ट हाफ में वाइट और सेकंड हाफ में मैंने ब्लैक से की है। और उसके बाद जो दो छोटे सर्कल थे उसमें मैंने वाइट से की, और जो कुछ फिनिशिंग थी और कुछ अराब्स वगैरह थे वो मैंने गोल्डन से लगाए। और जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जो है वहाँ पर मैंने पहले वाइट से की थोड़ी कैलीग्राफी, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर ही वॉटरी सा एक गोल्डन सा शेड मैंने उसके ऊपर ऐड किया, और वो एक प्रॉपर बैकग्राउंड का फिनिश लुक बना। फिर उसके बाद ये सब टोटल ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर मॉडर्न अरबिक कैलीग्राफी फॉन्ट में मैंने इसके ऊपर लिखना शुरू किया, फबी अशियाल आई रबी को मातुक ज़बान। फर्स्ट जो स्टार्ट था वो कीप स्माइलिंग के साथ था, और जो बिगनिंग स्टेज होती है वो कीप स्माइलिंग के लिए नहीं बनी हुई होती। कीप स्माइलिंग जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल जो है वो उसको ही हैंडल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो बिगनिंग स्टेज होती है वो बंदा अगर चाइना के लोकल ब्रशेस भी यूज़ करे तो भी बन सकती है। और ये जो शेड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी मैरिस का ही है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग चेंज है, बट ये मैरिस का ही एक्रेलिक शेड है, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी जो है सिंगल स्वाइप पे काफ़ी एप्लीकेबल रहा है ये मेरे लिए। डबल स्वाइप मैंने अपनी किसी भी पेंटिंग में नहीं यूज़ किया जब से मैंने ये वाला शेड यूज़ किया है, और ये उर्दू बाज़ार से ही मैंने बाय किया था। और बाकी इस बैकग्राउंड का जो ट्यूटोरियल है वो फॉर सम हाउ मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन एज़ सुन एज़ पॉसिबल मैं ये वाला बैकग्राउंड जो है अपने चैनल के ऊपर ज़रूर अपलोड करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और अभी मैंने यूट्यूब के ऊपर रिसेंटली काम करना शुरू किया है, सो मैं इसके ऊपर भी काम करूँगा कि मैं अपने जो पेंटिंग्स के ट्यूटोरियल हैं उनको मैं, उनकी बैकग्राउंड और जो कैलीग्राफी वाला ट्यूटोरियल है वो सेपरेटली एक प्लेलिस्ट में ऐड कर लूँ, ताकि आप सबके लिए भी आसानी हो जाए और आप सब उसको आसानी से देख सकें। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को अपना जो सीखा हुआ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ कम्प्लीटली डिलीवर करूं। और अगर कोई हर्डल या कोई परेशानी फेस होती है आप लोगों को मेरी वीडियो से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं मेरी मिस्टेक्स, क्योंकि मुझे मिस्टेक से सीखना ज़्यादा बेहतर लगता है बजाय इसके कि गुजरे हुए
वक्त को याद करके ख़ुद को स्पॉइल करना और उन चीज़ों को लेके बैठ जाना। तो अगर आप मुझे मेरी गलती मेंशन कर दिया करेंगे तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा, बजाय इसके कि मैं उसको एक नेगेटिव वे में कन्वर्ट करके सारी चीज़ों को कुछ और ही रंग दे दूँ, बजाय इसके कि आप उसको अपने अंदर रख के बुरा समझें। मुझे आप मेरे साथ कम्युनिकेट करके ये बात क्लियर कीजिए कि यहाँ पे ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ सही थी, ये वो। आप इंस्टाग्राम के DM में मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी पेंटिंग से रिलेटेड बात करनी हो या कोई सजेशन मुझे देनी हो या कोई सजेशन लेनी हो, तो आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में, वह जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। और बाकी इंशाल्लाह ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए मैं मज़ीद मेहनत करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ट्यूटोरियल्स ले के आता रहूँ। और फ़िलहाल मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर सही तरह कर नहीं पा रहा। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, जो कॉर्नर, जो एंड कॉर्नर है, वहाँ पे मैंने वाइट से बिस्मिल्लाह लिखी थी, वो भी समहाउ मेरे से नहीं उस पर मैं रिकॉर्ड कर सका। ड्यू टू फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा 16 to 20 पेंटिंग्स बनाने का, और मैं काफ़ी उस टाइम वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा था, यूनिवर्सिटी जॉब और साथ में ये पेंटिंग का पूरा एक बंडल तैयार करना था। तो मैं काम करूं या वीडियो देखूं, और एक अकेले बंदे से कितना कुछ हो जाएगा। तो वीडियो समहाउ वो कैनवस इधर उधर जाता रहा और वीडियो कहीं से कहीं की चली गई, रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन वो ही पेंटिंग जो मैंने इस जो कैलीग्राफी मैंने यहाँ पे किया कॉर्नर पे, उसी का एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने इस पेंटिंग से पहले अपने चैनल के ऊपर ऐड किया है, फॉर सम मैक्सिमम 4 to 5 days पहले मैंने एक पेंटिंग ऐड की थी, बिस्मिल्लाह, हाउ टू राइट बिस्मिल्लाह इन मॉडर्न अरेबिक कैलीग्राफी फॉन्ट। तो वो यही वाला फॉन्ट मैंने वहाँ पे कन्वर्ट किया, और मैंने यही सोचा था कि जब मैं ये पेंटिंग ऐड करूँगा तो मैं वहाँ यहाँ पे बता दूँगा कि वहाँ अगर किसी को ये देखना है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, तो वो मेरा दूसरा ट्यूटोरियल देख लेगा। और मैं आई बटन में इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और बाकी जो बिगनर्स हैं, वो अपने आप को कंसिस्टेंट रखें, कंटिन्यूस रखें, और हिम्मत मत हारें, और अपने काम से जुड़े रहें, तभी वो किसी मुकाम पर पहुँचेंगे। और मैं इस पेंटिंग का कंप्लीट जो था लुक था बिफ़ोर राइटिंग और आफ्टर राइटिंग, मैं इसी वीडियो के एंड पे मेंशन कर दूंगा कि इसका फाइनल लुक क्या था, और इसके ऊपर बैकग्राउंड सबसे पहले किस तरह का शो करवाया था, और उसके बाद इसके उसके ऊपर जब राइटिंग की तो ये इसका क्या लुक क्रिएट हुआ था। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। और अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द लाइक बटन जस्ट फॉर द एप्रिसिएशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।